रही आज की खास हलचल। उत्तराखंड में मनाया गया हरेला पर्व, कोरोना के चलते हरेला उस तरह से नहीं मनाया गया। मंत्री हरक सिंह रावत ने सीएम के साथ किया पौधरोपण। वही सोशल मीडिया पर भी हरेला के लिए लोगों की प्रेजेंट देखने को मिली। ये बनी आज की खास हलचल। शहनशाह आश्रम के निकट राजपुर देहरादून में पार्षद श्रीमती उर्मिला थापा जी के द्वारा हरेला पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया गया। इसे हरीश रावत ने किया ट्वीट। ये रही आज की खास हलचल। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने वीडियो पोस्ट करते हुए ट्वीट किया कि हमारी लड़ाई इसी सोच और न्याय के खिलाफ है। आप देख सकते हैं ये वीडियो, किस तरह से पुलिस वाले इंसानियत भूल गए हैं, जानवर की तरह इंसान को मार रहे हैं। ये रही आज की खास हलचल। कर्नाटक में ब्लैक लिस्ट कंपनी से उत्तराखंड ने खरीदी दवाई। वहीं से पोस्ट करते हुए उमेश कुमार ने कहा कि इसने बदहाल है उत्तराखंड की सेवाएं, कोई कीमत नहीं जिंदगी की। किस स्तर पर घोटाले हो रहे हैं उत्तराखंड में, ये बनी आज की खास हलचल। उत्तराखंड में लॉकडाउन की छुट्टी अफवाह। डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाह उड़ाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। अफवाह थी कि 16 जुलाई से राज्य में होगा लॉकडाउन, ये बनी आज की खास हलचल। वही बीजेपी ने ट्वीट कर कहा कि भारत और ईयू नेचुरल पार्टनर्स है, हमारी पार्टनरशिप विश्व में शांति और स्थिरता के लिए उपयोगी है। स्थिति में और भी स्पष्ट हो गई है पीएम मोदी। ये रही आज की खास हलचल। दिल्ली पहुंचे आम पार्टी प्रवक्ता आनंद ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की जिसमें वो दिल्ली उप मुख्यमंत्री के साथ दिख रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि सूबे में आप अपना रास्ता तैयार कर रही है। इस तस्वीर को देख बीजेपी में खास हलचल होना संभाविक है।